अरे आई एम वेरी एक्साइटेड. पहले तो मैं डीजे शेजवुड, जो वेस्टर्न सा नाम है बहुत, और मेरे लिए डीजे मतलब शेजवुड के जितने भी गाने हैं वेस्टर्न लेवल पे इतने बड़े हिट हुए हैं, एंड इज़ अ वेरी गुड म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर. बट मैंने जब सुना इस फिल्म में कर रहे थे, आई वॉज शॉक्ड. बट येस, फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव हर्ड हिम, इनके भजन सुने हैं मैंने, इन्हें भी नहीं पता कब सुने. एंड आई वॉज रियली शॉक दैट यू नो, एक इंसान इतना धार्मिक हो सकता है, एट द सेम टाइम वो इतने वेस्टर्न लेवल पे अपने आप को एस्टैब्लिश करता है. तो आई एम रियली ग्लैड दैट गोइंग टू बी वर्किंग ऑन शेजवुड सॉन्ग, वो भी इस फिल्म पर, यू नो. तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओवर टू यू. हमारा पहला कोलैबोरेशन भी शबीना के साथ जो था, वो एक बहुत ही अच्छा गाना था, लेकिन वो फिल्म का गाना था, जो कि चूँकि हम लोग तो फिल्म और एल्बम्स ही करते हैं. पर ये एक, चूँकि ये आत्मा है, जो श्रीनाथ जी की फिल्म करना या भगवान कृष्ण की फिल्म करना एक आत्मा है. और जो हमेशा से ही, चूँकि मेरा डेब्यू शिवराधना करके, जो शिवराधना वॉल्यूम 2 टी सीरीज से डेब्यू हुआ था, फिर 2003 से ये पॉप और ये सब में अभी सब चल रहा है, अब देखते हैं. लेकिन ये जो ये वाली अपॉर्चुनिटी है, सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है. कहते हैं चलो सखी वहाँ चलें, जहाँ कृष्ण को राज, दर्शन करें पनिया भरें, एक पंथ दो काज. तो इसके लिए राजू जी जैसे एक, आप कह सकते हैं, होनहार डायरेक्टर के साथ काम करना, और सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि अंदर से ये बहुत खुशी मिल रही है करने के नाम से. और आज बृहस्पतिवार का दिन है, आप देखें स्टूडियो में आपके बारिश भी हुई है उद्घाटन के दौरान. और हमारे साथ तृप्ति हैं, जो जिनके साथ मैंने आज से 10-12 साल पहले दिल्ली में इतने भजन के कैसेट्स किए हैं. तो अब तृप्ति भी इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट है. हम लोग एक होली रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कैलाश खेर जी की आवाज़ के साथ साथ तृप्ति की भी उसमें वॉइस होगी. तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि एक अच्छा संगीत और एक ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट आ रही है, वो आप लोग सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, कि चूँकि ये तो हमारी आत्मा है. बेसिकली जो थिन लाइन थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था, मेरा बहुत टाइम से एक मन था कि मैं कुछ भजन्स और माइथोलॉजिकल फील्ड में कुछ करूं. तो मैं करता भी रहता हूं. मैंने भी शिव गायत्री करके एक सिंगल किया था, शिव गायत्री किया, शिव मंगलम किया. और फिर एक दिन राजू जी से मुलाकात हुई. उस दिन देखिए इत्तेफाक कैसा था कि दिन में दो बार हम लोग मिले, एक बार स्टूडियो में, और स्टूडियो में एक मेरा एल्बम बारिश के बहाने अभी रिलीज़ मान साहब के साथ हुआ है, तो उसकी डिज़ाइनिंग के दौरान मिले. और फिर शाम को राजू से मुलाकात हुई श्रीनाथ जी की फिल्म के लिए. और पहली मीटिंग में ही राजू जी और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, चूँकि वो भावना थी, कहते हैं कि भगवान तो भावना के भूखे हैं, तो वो भावना के दौरान ही हम लोग जुड़ गए. और कोई कमर्शियल इसमें एंगल नहीं है हम लोगों का. जैसे शबीना के बारे में भी राजू जी ने कहा कि वो भावना से जुड़ी. तो जैसे रसखान थे ना, रसखान ने कहा था बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, तो शबीना का भी मन वैसा ही है. ये भी इस श्रीनाथ जी की जो हमारी फिल्म है उसमें इसी भाव से जुड़ी है. और मेरा भी कोई कमर्शियल एंगल नहीं है. राजू जी ने जैसे ही नरेट किया, मैंने बोला यस आई एम डूइंग इट. देखिए श्रीनाथ जी संगीत, बेसिकली चाहे वो डीजे बजाए या एक म्यूज़िक डायरेक्टर बजाए, संगीत का जो ओरिजिन है वो तो कृष्ण ही हैं, आकृष्ण ही बोलते हैं. तो जैसे कहते हैं कि नवरस कृष्ण जी जो हैं, वो नौ के नौ कलाओं के परिपूर्ण ईश्वर हैं. तो संगीत का ओरिजिन ही कृष्ण है. तो अगर मैं डीजे पे भी बजाता हूँ, तो कई बार राधे राधे अगर आप डीजे पे बजाएंगे तो भी लोग नाचेंगे, क्योंकि वो बोलों में खाली होता राह दे, राधे मतलब हमें राह दिखाओ. तो राधेय कृष्ण का भी नाम है, राधेय. तो जब हम राह देखना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा. और हम सब लकी हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम फिल्म्स कर रहे हैं, हम एल्बम्स कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं. पर इसके साथ इतना अच्छा एक भगवान ने हमें मौका दिया कि हम सब लोग एक इतनी अच्छी जगह आगे खड़े हुए कि हम आज भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, आप सब लोग उस ईश्वर के बारे में हमें कवर कर रहे हैं. और ये जो चीज़ें जब यूट्यूब के ऊपर जाएंगी, आपके चैनल्स पे जाएंगी, तो जो मेरा एक पहला, सबसे पहले मैं सोचता था कि अमर बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कंटेंट अलग हो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो ये अमर बनने वाला कंटेंट है. जब महाराज दिलीप जी ने मुझे महाराज सुनाया, तो महाराज के बाद ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था कि इसको कोरियोग्राफी कौन करेगा. तो ये सोचता सोचता मैंने मेरे घर का टीवी ऑन किया. जैसे टीवी ऑन किया तो प्रेम रतन धन पायो, हमने इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है. फिर मैंने सबीना जी को हम्बल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारी इस फिल्म की कोरियोग्राफी करिए. उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम ये कर रहे हैं. मेरी सेजवुड साहब से मुलाकात हुई, बड़ा
मैंने सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म में सेजवुड साहब म्यूज़िक देंगे. हमने ऐसे चर्चा की, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, और चर्चा करते वक्त जब इन्होंने कृष्ण पे चर्चा करनी शुरू की और कृष्ण और संगीत के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया नॉट इवन संगीत, फिल्म का पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सर आप ही करोगे. ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संयोग है जो शायद एक आप बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बहुत जल्दी बहुत कुछ देखेंगे इसमें. आइए.